हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे कि मैंने किस तरह से जो है Tier 3 कॉलेज से जो है IIT जोधपुर में इंटर्नशिप पाया, और वो भी मेरा जो ब्रांच था कंप्यूटर साइंस, और उसी डिपार्टमेंट ऑफ CSE से। तो इसमें मैं इन टू इंड बताऊंगा आपको कि किस तरह से इसमें आप जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कहाँ से अप्लाई करना है, और किस तरह के जो है प्रोफेसर्स के अंडर अगर मेरे को इंटर्नशिप करना है तो किस तरह से हमको अप्लाई करने चाहिए, किस तरह के मेल्स हम लोगों को करने चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको सारा चीज एक्सप्लेन करूँगा इन टू इंड, तो आप लोग जो है ध्यान से देखें और आप लोग इस तरह से फॉलो कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आपको जो है इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर आप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस तरह से मैंने मेल किया, और उससे पहले मेरी क्या प्रिपरेशंस थी इंटर्नशिप को लेके। तो सबसे पहले आपको अगर इंटर्नशिप चाहिए और जिस भी फील्ड में, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरा था मेरा जो है वो मेरा था मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, ये मेरा एरिया था और मैं इसी में चाह रहा था मेरे को मिले, क्योंकि मेरा ब्रांच डेटा साइंस है और मैं इसी फील्ड में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और मेरे और भी ये है जैसे NLP हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इससे भी। तो इसमें इतना जो है इतने तरीके से रिसर्च में मैंने अप्लाई करे थे। और तो सबसे पहले आपको क्या है कि सबसे पहले ये सब चीज़ जिस भी फील्ड से आप हैं, अगर मैं अभी नॉर्मली अगर हम इस फील्ड से बात करें, क्योंकि मैं चूंकि इसी का हूँ तो इसके बारे में मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। तो जैसे कि मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें या डीप लर्निंग की बात करें, तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले इसका बेसिक जितने भी हैं, जैसे मशीन लर्निंग में अगर हम बात करें जितने भी एल्गोरिथम्स हैं, कम से कम वो आपको कंप्लीट होने चाहिए। मतलब कि जितना भी बेसिक्स वाले पार्ट हैं, मतलब जैसे रिग्रेशंस हो गए, और इसमें मशीन लर्निंग की बात करें तो रिग्रेशंस क्या होते हैं, इंट्रॉपी क्या होते हैं, क्रॉस वैलिडेशन क्या होते हैं, डिसीजन ट्री क्या होता है, मतलब जितने भी एल्गोरिथम्स हैं वो कम से कम आपको उसका बेसिक्स कम से कम पता होना चाहिए, उसका मैथमेटिक्स पार्ट कम से कम आपको पता होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशंस पे अगर हम बात करें, पहले तो बेसिक अगर ये मैथमेटिक्स पार्ट हो जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन तो आप नॉर्मली कर ही सकते हैं, लेकिन जो मशीन लर्निंग का मतलब है जितने भी मैथमेटिक्स पार्ट, तो वो आपको कम से कम कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब कि इसमें जैसे मैंने एल्गोरिथम्स के बारे में बात किया, ये सारे एल्गोरिथम्स आपको कंप्लीट होना चाहिए। मशीन लर्निंग का मतलब है ये एल्गोरिथम, है ना, रिग्रेशंस, क्लासिफिकेशंस, है ना, क्लासिफिकेशंस में नेम बेस क्लासिफायर हो गए, डिसीजन ट्री क्लासिफायर हो गए, है ना। तो इतने सारे ये सब सारे एल्गोरिथम्स हैं। और अगर हम डीप लर्निंग की बात करें तो इसमें जैसे कि एक्टिवेशन फंक्शन हो गए, एक्टिवेशन फंक्शन कितने तरीके हो सकते हैं, रेलू, लिगी रेलू, सिग्मोइड, है ना। तो इस तरह से जो है इसमें जो भी है टॉपिक्स होंगे, तो वो सब आपको कम से कम बेसिक बेसिक जो है आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो है आप अप्लाई कीजिए, फिर आके रिस्पॉन्ड। नहीं तो उसके अलावा आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप फिर आपका अगर इंटरव्यू होगा तो फिर वहां पे आप फंसोगे। तो इसलिए जो है आपको पहले ये कंप्लीट होना चाहिए। अब ये भी बताऊंगा आपको कहाँ से कैसे करना है, अभी चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होने का, आपको बेसिक जो है वो जो है जिस भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप कोई भी ब्रांच से हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल या कोई और, तो जिसमें आप इंटर्नशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो सबसे पहले बेसिक जो है कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। और उसके अलावा आपका रिज्यूमे में अगर बात करें तो उसमें जो है कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्ट्स कम से कम, इससे जो जिस भी फील्ड से आप अप्लाई कर रहे हो, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग है, तो 3 से 4 प्रोजेक्ट्स आपको कम से कम करने हैं, और वो भी थोड़ा अच्छे लेवल के, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट्स से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये सब प्रोफेसर जो आपका रिज्यूमे में ये चीज तो देखेंगे, ठीक है। और मतलब ऐसा नहीं प्रोजेक्ट्स जो है कहीं से ले लिए, नहीं, ये खुद आपको ही करना है और अपने से करना है, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू राउंड में, बताऊंगा मैं कि कैसे मेरा कैसे हुआ था, है ना। तो वो आपको कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्ट आपको कम से कम रिज्यूमे में दिखाना है, ठीक है।
और फिर 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हो गए, फिर आपके स्किल्स है ना, स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज मैं एक दिन अगले वीडियो में होगा तो मैं अपना रिज्यूमे भी आपको शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह से रिज्यूमे डिजाइन किया था, आप भी उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो है ये सब चीज आपको कंप्लीट करना है कम से कम। और जब इतना चीज आपका हो गया तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है आपको जो है वेबसाइट पे आना है। जैसे कि मैं नॉर्मली अभी मैं क्रोम में हूँ, आपको नॉर्मली क्या करना है, कोई वेबसाइट जैसे ये खोलना है। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि आपको एक अगर एक जगह अप्लाई किया तो एक जगह से रिप्लाई आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको ढेर सारे प्रोफेसर्स को अप्लाई करने पड़ेंगे। तो जैसे कि नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि हम जैसे मैं IIT जोधपुर की बात करूँ, तो यहाँ पे नॉर्मली टाइप करूँगा IIT जोधपुर, CSE जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस है तो CSE डिपार्टमेंट है ना, तो यहाँ से इस तरह से सर्च किया और इसके CSE डिपार्टमेंट में आना है। तो यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो CSE डिपार्टमेंट में यहाँ पे चेक करना है आपको फैकल्टी एंड एडवाइजर है, इस पे क्लिक करेंगे और इस तरह से जो है विंडो खुला और यहाँ पे सारे प्रोफेसर्स के ईमेल, ठीक है। आपको फोन नंबर से इस पे फोन नहीं करना है आपको, बस हाँ ये है कि ईमेल जो है ये आपको लेना है, जैसे ये आनंद मिश्रा की ईमेल है ना। तो इस तरह से जो है हर एक जितने भी प्रोफेसर हैं आपको सब पे लगभग आप लोग अप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि एक दो से रिप्लाई, ऐसा नहीं कि आप एक दो अप्लाई करेंगे तो रिप्लाई आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और कम से कम आपको 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते तक वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद रिस्पॉन्स आते हैं। तो अगर कम से कम 50-100 आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, फिर जाके 2-3 जगह से आपको आएंगे तो फिर उसमें भी आपका इंटरव्यू राउंड होगा, ढेर सारे प्रोसीजर्स हैं तो जो मैं आपके आगे शेयर करूंगा। तो यहाँ पे इस तरह से ईमेल लिया और यहाँ से ईमेल से नॉर्मली जो है ईमेल किया प्रोफेसर को और अब क्या करने हैं, तो समझ गए। इस तरह से आपको कोई भी फैकल्टी से IIT जोधपुर है, आप IIT बॉम्बे हो गए, IIT दिल्ली हो गए है ना, IIT भिलाई हो गए, तो यहाँ से नॉर्मली जो है आप लोग क्या करना है उसका CSE डिपार्टमेंट में आना है और वहां से प्रोफेसर सबके ईमेल्स को करना है। अब जो है यहाँ पे अगर बात करें तो ईमेल को लेना है और इसका रिसर्च एरिया भी आपको देखना है कि इसका रिसर्च एरिया क्या है, जैसे इसका कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, अगर आपको इस फील्ड में ही चाहिए तो फिर तो बढ़िया है ना। यहाँ पे तो ये आपका रिसर्च एरिया, इसको देखना है कि ये किस एरिया से है ना, तो ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा फिर उसके प्रोजेक्ट्स। तो अब आगे हम आगे बात करें किस तरह से मेल करना है, तो अगर हम बात करें तो नॉर्मली ईमेल को कॉपी करना है और यहाँ पे आपको ईमेल करना है। तो जैसे कि मैंने अप्लाई किया था रिक्वेस्ट फॉर, ये मेरा सब्जेक्ट था रिक्वेस्ट फॉर रिसर्च इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे जो है एक डिसेंट मेल आपको लिखना है जो कि मैंने अप्लाई किया, देखिए यहाँ पे डियर प्रोफेसर और उस प्रोफेसर का नेम जो भी है, अगर सुमन कुंडू है जैसे है तो डॉक्टर सुमन कुंडू है ना, तो इस तरह से आपको लिखना है। और इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हाईलाइट करना है, जैसे अपने नाम, किस डिपार्टमेंट से आप हैं, मतलब आपका ब्रांच क्या है, जैसे ये है आप कौन से कॉलेज से हो, वो अप्लाई करना है। और यहाँ पे प्रोफेसर का कुछ रिकमेंडेशन, अगर आपका कोई प्रोफेसर है जो इस फील्ड से है अगर, तो उसका आपको यहाँ पे नेम कम से कम सजेस्ट करना है, तो ये प्रोफेसर को लगता है चलो रिकमेंडेशन एक तरह से हुआ है तो ये बेनिफिट आपको करेगा। फिर यहाँ पे आपको जिस रिसर्च एरिया में है तो प्रोफेसर का जो रिसर्च एरिया है आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे कि जैसे इसका था कि मशीन लर्निंग से है, डेटा साइंस से, तो अगर आपको भी मशीन लर्निंग में है तो यहाँ पे आप लोग जो है उसको हाईलाइट्स कर दें, इस तरह से थोड़ा बोल्ड कर दें उसको। फिर कितने महीने का इंटर्नशिप है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और अपना यहाँ पे नंबर और इस तरह से जो है लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है। फिर जैसे मैंने अप्लाई किया था तो मेरा देखिए कितने दिन में रिस्पॉन्स आया, जैसे कि मैंने 16 जनवरी जनवरी को किया था तो यहाँ पे मेरा 16 जनवरी में ही रिप्लाई आ गया था। ये बहुत अच्छा मतलब होता है कि कभी कोई जल्दी आ जाता है, नहीं तो आपसे 4-5 दिन या 6 दिन 1 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है रिस्पॉन्स आने में, ठीक है। जैसे कि मैं 12-19 दोपहर में लगभग किया था तो शाम तक मेल आ गया था। फिर इन्होंने बोला था क्या कि थैंक यू फॉर ये जो है, फिर इन्होंने बोला था क्या कि थोड़ा मेरा जो है ट्रांसक्रिप्ट मतलब रिजल्ट जो है जो मशीन लर्निंग से रिलेटेड हो तो वो ये इन्होंने भेजने बोला था, तो मैंने कुछ इस तरह से जो है इसको फिर रिस्पॉन्स किया और उसमें जो अपना ट्रांसक्रिप्ट जो है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट जो है
मैंने फिर मतलब वहां पे मेरा छूट गया था, तो इन्होंने बोला गया उस मीटिंग अटैचमेंट मिसिंग इन द ईमेल, तो फिर मैंने जो है अप्लाई किया और यहाँ पे अपना सारा चीज मर्ज करके डाल दिया, जितने भी डिटेल्स थे है ना, कुछ सर्टिफिकेशन है तो वो भी उसमें मर्ज करके मैंने डाल दिए थे, ठीक है। और फिर इसी तरह से फिर तो जब ये हुआ तो वहां पे जो है फिर क्या हुआ कि इन्होंने इनके जो असिस्टेंट थे मतलब इस पीएचडी स्कॉलर्स थे, उन्होंने मेरे को मेल किया। और फिर जब उन्होंने फिर मेरे को मेल किया और फिर उन्होंने इंटरव्यू के लिए जो है डेट फिक्स किया, ठीक है। तो जो है लगभग मेरे से ही पूछा कि जो है कितने टाइम मतलब कितने टाइम में तुम मतलब प्रिपेयर हो इंटरव्यू के लिए। जैसे कि मैंने टाइम दिया हुआ था कि लगभग 5 दिन के, 5 डेज का मैंने टाइम दिया, और 5 डेज के जो है यहाँ पे प्रिपरेशन मैंने किया और अच्छे से। फिर उन्होंने जो है लेकिन जो इंटरव्यू हुए मेरे लगभग 1 घंटे का, 1 आवर्स का लगभग इंटरव्यू हुआ मेरा, ठीक है, पहला इंटरव्यू। ऐसा नहीं कि एक ही इंटरव्यू से काम हुआ, ऐसा भी नहीं, मतलब एक इंटरव्यू हुआ। तो उसमें जो है इंटरव्यू में फिर मेरे को जो पूछा गया था जो है सबसे पहले जो पहले तो उन्होंने बेसिक बेसिक सारे चीज से मेरा मेरा प्रोजेक्ट्स अगर नॉर्मली अगर बात करें तो वो डीप लर्निंग का, मशीन लर्निंग का उतना नहीं है, डीप लर्निंग का मेन था। तो डीप लर्निंग के बारे में पूरा मैंने मतलब मेरे से पूछा गया कि कैसे होता है, एक्टिवेशन फंक्शंस क्या है जैसे नॉर्मली अगर मैंने बताया, फिर ग्रेडिएशन क्या होता है, कैसे बैक प्रोपगेशन काम करता है, लॉस क्या है ना। तो सारा बेसिक बेसिक जितने भी चीज थे उन्होंने पूछा अच्छे से, और चूंकि मैंने प्रिपरेशन किया हुआ था तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन उसका जवाब भी दिया। ऐसा नहीं कि 100% जवाब देना होता है, हाँ ये है कि कम से कम आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया अगर रहा, नहीं आ रहा था कोई बात नहीं, सॉरी सर बोल के आप आगे निकल सकते हो। फिर उन्होंने जो है फिर उन्होंने जो है पूछा, फिर कुछ मशीन लर्निंग के भी प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम्स पूछे थे कि जैसे क्रॉस एंट्रोपी पूछे थे कि क्या होता है ना। और इसी तरह से फिर उन्होंने क्या किया कि ये सब जब पूछा फिर क्या कि स्क्रीन शेयर किया हुआ था मेरा, स्क्रीन गूगल मीट पे हो रहे थे मीटिंग, तो फिर स्क्रीन शेयर करके जो है उन्होंने मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे सबको देखा कि कौन कौन प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड है। तो जो प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने देखा, फिर प्रोजेक्ट से भी बीच बीच से मतलब क्वेश्चन पूछे उन्होंने कि ये क्या होता है, इसमें जो है यूज किए गए ऑप्टिमाइजर से ये है प्रोजेक्ट्स में, मतलब बीच बीच का कुछ पॉइंट्स उठा के मतलब ये सब पूछे उन्होंने, ठीक है। तो इसलिए प्रोजेक्ट्स को जो जो आपने एक्सप्लेन किया मतलब रिज्यूमे में डाले हैं तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या है, क्या प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स को अच्छे से कम कंप्लीट कर करके, क्योंकि उसे बीच बीच से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो। फिर उन्होंने क्या किया, जब मेरा 1 घंटे का हुआ तो उन्होंने जो है मतलब अच्छे गया मतलब बहुत अच्छे से, फिर उन्होंने अच्छे फीडबैक दिए लास्ट में। फिर जो है उन्होंने टास्क दिया कि एक छोटा सा टास्क था जो है उसको मतलब कोड दिया था, उसको बेसिकली क्या करना था कि चलाना भी था मतलब उसको रन भी कराना थे, और चूंकि वो पाइटॉर्च में था तो मेरे को क्या करना था पाइटॉर्च से, चूंकि ये पाइटॉर्च से मेरे को टेंसर फ्लो में कन्वर्ट करना थे उसको, मतलब कुछ कुछ फाइल थे उसको जो है पाइटॉर्च को टेंसर फ्लो से मतलब उसमें कन्वर्ट करना था। तो मैंने जो है उसको कंप्लीट किया, और कुछ आप चैट जीपीटी का भी सहारा ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपको खुद से ही करना है सब चीज, हाँ लेकिन जो चीज आप उसको करें मतलब उसको अच्छे से आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में पढ़िए, उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, जैसे पाइटॉर्च टेंसर फ्लो में डॉक्यूमेंटेशन पढ़े। फिर उन्होंने बोला था क्या कि इसको जो है आपको कुछ जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कोई फंक्शंस है तो वो पाइटॉर्च में किस तरह से काम करते हैं, टेंसर फ्लो में किस तरह से काम करते हैं, कौन सबसे बेस्ट तरीका है, कहाँ जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो कौन अच्छे से वर्क करता है ना, तो कहाँ पे अच्छे से वर्क टेंसर फ्लो करेगा पाइटॉर्च, वो सब मैंने जो है उसमें किया हुआ था। और उन्होंने जो है फिर सारा चीज को देखा और फिर उन्होंने ओके किया, मतलब 2 राउंड लगभग इंटरव्यू मेरे हुए और फिर उसको टास्क दिए, फिर उसको कंप्लीट किया मैंने, और फिर जाके जो है लास्ट में मेरे को ऑफर लेटर मिला मेरे को। मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, यहाँ पे आया कि डियर रंजीश प्लीज फाइंड द ऑफर लेटर इन द अटैचमेंट, तो कुछ इस तरह का मेरा जो है ऑफर लेटर था ये,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी जोधपुर, आईआईटी जोधपुर के नाम से। और ये इस तरह से जो है कि मेरा प्रोजेक्ट्स क्या थे, सोना प्रोजेक्ट था, सोशल नेटवर्क एनालिसिस एंड एप्लीकेशंस, है ना। तो इस तरह से जो है मेरे को ऑफर लेटर मिले। तो अब बताते हैं आपको कि ये जो है आपको कैसे करना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो इसी तरह से आप जो है पा सकते हैं इसको, इंटर्नशिप को। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई इसमें रॉकेट साइंस है, नॉर्मल है। आप अच्छे से अगर किए रहेंगे तो आसानी से आप मेरी तरह जो है इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले जो, अगर मशीन लर्निंग की अगर बात करें, मशीन लर्निंग जो इसमें पूछा गया था, मतलब किस तरह के थे इंटरव्यूज में क्वेश्चंस, तो मैं क्या करूंगा कि अगले कुछ अगले वीडियो से मैं जो है 2-3 दिन के अंदर मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ जो मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। यूट्यूब पे ही रहेगा और फ्री रहेगा। तो इसमें जो है सारे मशीन लर्निंग्स के जितने भी कैसे एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक, मतलब इम्प्लीमेंटेशन के साथ सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा मैं, और मैंने किस तरह से प्रिपरेशन किया था और कैसे मशीन लर्निंग को मैंने कवर किया, वो सारा चीज को मैं जो है कंप्लीट इस पूरा कोर्स में को पूरा कंप्लीट करूंगा। मशीन लर्निंग के साथ साथ डीप लर्निंग के भी रहेंगे, है ना। डीप लर्निंग में CNN, ANN, RNN, है ना। तो ये सारा चीज को मैं इसमें कंप्लीट करूंगा, इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहें। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सर वो सब्सक्राइब कर लें, आपको आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आगे बहुत कुछ इसमें जो है आने वाला है, इसलिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। और भी चीजें हैं इसमें कि कैसे इसमें करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मशीन लर्निंग के सारा इंस्ट्रक्शन चाहे हर एक एकदम बेसिक से आपको बताया जाएगा। आप अगर आपने नहीं किया है कोई बात नहीं, आप इस कोर्स के मदद से आपने आपको सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। आपको लेकिन फॉलो करना है एक एक चीज को जैसा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को अच्छे से हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा कि किस तरह से करना है। अगर आपका कोई क्वेरी होता है तो आप जो है जो है कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस चीज को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें आपको मैं रिज्यूमे का कुछ कुछ बताऊंगा कि कैसे करना है, मैंने किस तरह से रिज्यूमे तैयार किया अगले वीडियो में। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।